नगर पालिका निर्वाचन के वार्ड क्रमांक 24 रानी दुर्गावती वार्ड के कर्मठ समाज सेवी और ईमानदार निर्दलीय प्रत्याशी यादवराव डोबले को चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। चुनाव की तारीख 27 सितंबर भूल न जाना। यादवराव डोबले के चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर है जिताना। नगर पालिका निर्वाचन के वार्ड क्रमांक 28 जलाराम वार्ड की जागरूक ईमानदार और सक्रिय निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सुनीता यादवराव डोबले को चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। चुनाव की तारीख 27 सितंबर भूल न जाना। श्रीमती सुनीता यादवराव डोबले के चुनाव चिन्ह केक का बटन दबाकर है जिताना। नगर पालिका चुनाव में वार्ड क्रमांक 6 टेकड़ी वार्ड से भाजपा के युवा समाज सेवी हर पल मदद के लिए तैयार रहने वाले उम्मीदवार महेंद्र भीमराव घोड़े को चुनाव चिन्ह कमल की बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। मतदान का दिन 27 सितंबर भूल न जाना। महेंद्र भीमराव घोड़े को चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर है जिताना। नगर पालिका परिषद पांडुर्ना के वार्ड क्रमांक 17 वसई वार्ड से मेहनती ईमानदार कर्मठ भाजपा उम्मीदवार सौ भगवती बाई राजेश कुंडे को चुनाव चिन्ह कमल का बटन दबाकर प्रचंड बहुमतों से विजयी बनाइए। चुनाव की तारीख 27 सितंबर भूल न जाना। वसई वार्ड से भाजपा उम्मीदवार सौ भगवती बाई राजेश कुंडे को कमल का बटन दबाकर है जिताना। BCN मन की बात करने के लिए शहर के मेघनाथ वार्ड में पहुंचा। यहाँ मेघनाथ वार्ड में समस्याओं का अंबार है। वार्ड के अंतिम छोर पर रहने वाले परिवारों को सड़क नाली की दरकार है। मूलभूत सुविधा बहाल करने की मांग वार्डवासी लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन वर्षों से जनप्रतिनिधि इन समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ वार्ड में रहने वाली वंदना दिगंबर चोरकर ने बताया कि नाली नहीं होने से गंदा पानी घर के सामने से बह रहा है। कई बार छोटे बच्चे इस नाली में गिर जाते हैं। घर के सामने बिजली की तार की जो वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी उसके बहुत बुरे हाल है। खंभा कभी भी गिर सकता है जिससे जान जाने का खतरा मंडरा रहा है। नाली की भी ये है समस्या, और उधर साइड की नाली बनी है, इस साइड की बनी नहीं है। और ये देखो खंभे, ये ऐसे आएंगे तो बच्चे के ऊपर नहीं गिरेगा क्या? यही रहने वाले बंसीलाल परतेती ने बताया कि शौचालय में बराबर सफाई नहीं होती, लाइट खराब होने पर जल्दी जल्दी बदला भी नहीं जाता। अच्छा, और साफ सफाई होती है? साफ सफाई कभी होती कभी होती नहीं है। महीने भर में एक बार भैया। लाइट वगैरह की व्यवस्था? लाइट कभी बंद रहता, चालू नहीं होती जल्दी। इसी वार्ड में रहने वाली सुनीता बाल पांडे ने बताया कि नल कनेक्शन के लिए नगर पालिका में कई दिनों पहले पैसे जमा कर रखे हैं, फिर भी उन्हें अब तक नल कनेक्शन नहीं दिया गया। आपकी पानी की पैसे भरे तो नल कनेक्शन नहीं, नल कनेक्शन मिला नहीं। अच्छा, क्या बोलते फिर अब ये लोग? ये लोग यहाँ पे नहीं बोलते, मजदूर लोग। अच्छा, तो नहीं लगा के दिए? नहीं लगा। फिर अभी पीने का पानी कहाँ से भरते हैं? पीने का पानी आजू बाजू से। मेघनाथ वार्ड में ही रहने वाले तानाजी बगाड़े ने बताया कि घर से लगकर बिजली की लाइन जा रही है। पिछले दो चुनाव से इसे हटाने की मांग जनप्रतिनिधियों से कर रहा हूं, लेकिन किसी ने भी आज तक मदद नहीं की। समस्या है जो मकान के ऊपर ना वो केबल है वो हटाने के लिए बहुत प्रयास किए। हाँ। इलेक्ट्रिक ऑफिस में गए हम। हाँ। उन्होंने बोला एक लाख रुपये लगते हैं इसके हटाने के। उसके बाद में हमने बताना बंद ही कर दिया। वो पार्षद लोग आए थे, उनको बोला तो बोले हाँ, बोले हटा देंगे बोले। तो उसके बाद में उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, कितने दिनों से है ये समस्या? चुनाव ही है। गौरतलब है कि BCN वार्डों में जाकर मन की बात वार्डवासियों से जान रहा है। प्रशासन तक हम इन समस्याओं को पहुंचाकर इसके निराकरण की मांग करते हैं।